एविडेंस एक्ट केस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 38 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील करेंगे। सेक्शन 38 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। सिंपल समझो, किसी लॉ बुक में किसी पर्टिकुलर लॉ का कोई प्रोविजन लिखा गया है तो वो लॉ किस हद तक रेलेवेंट है? क्या हम मान सकते हैं कि वो लॉ अपने आप में रेलेवेंट है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर लॉ बुक में लिखा गया है? क्या वो लॉ एग्जिस्ट करता है? तो दिस इज व्हाट सेक्शन 38 स्पीक्स अबाउट, राइट? तो सेक्शन 38 क्या कहता है? रेलेवेंसी ऑफ सेक्शन 38, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन एनी लॉ बुक। राइट, देखो, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू अ लॉ ऑफ एनी कंट्री, जब किसी कोर्ट को किसी पर्टिकुलर कंट्री के किसी लॉ के बारे में कोई ओपिनियन बनाना होता है या किसी कोर्ट को किसी कंट्री में जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उस पे विश्वास करना होता है कि वो जो लॉ है वो उसी कंट्री का है, तो कोर्ट कैसे बिलीव करेगी? तो व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेटमेंट ऑफ सच लॉ कंटेन्ड इन बुक परपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड और पब्लिश्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री आर रेलेवेंट। ठीक है, देखो, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन 36 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना कि कोई मैप, कोई प्लान, कोई चार्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट पब्लिश होता है तो वो अपने आप में रेलेवेंट है, उस मैप, उस चार्ट, उस प्लान में जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में रेलेवेंट है। तो सेक्शन 38 क्लियरली ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये मानना है कि ये जो पर्टिकुलर बुक है जिसमें लॉ के कोई प्रोविज़न दिए गए हैं वो उसी पर्टिकुलर कंट्री के हैं, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी कि वो जो बुक है जिसमें लॉ के प्रोविजंस दिए गए हैं वो जो बुक है वो उसी देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश होती है, यानी उस पर्टिकुलर लॉ बुक का जो पब्लिकेशन है वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। अगर ऐसा है तो कोर्ट ये बिलीव कर लेगी कि वो जो फैक्ट है, वो जो लॉ है उस पर्टिकुलर लॉ बुक में वो उसी कंट्री का है। या कहता है एनी लॉ एनी रिपोर्ट ऑफ रूलिंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ सच कंटेन्ड इन बुक परपोर्टिंग टू बी रिपोर्ट ऑफ सच रूलिंग्स इज रेलेवेंट। कोई लॉ है या कोर्ट का कोई रूलिंग है उस पर्टिकुलर बुक में तो वो जो रूलिंग है वो उसी देश के कोर्ट का माना जाएगा क्योंकि वो जो बुक है वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री
पब्लिश होता है। तो इतना ही है आपका सेक्शन 38, क्या कहता है, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंड इन लॉ बुक्स। अब इसे आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन 39 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। How much of a statement is to be proved? How much of a statement is to be proved? सपोज करो कि आप जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोर्ट आपके इस स्टेटमेंट पर बिलीव कर ले, या कोर्ट आपके इस स्टेटमेंट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर बिलीव करे, लेकिन वो जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में वॉल्यूमिनस है, अपने आप में क्या है, बड़ा स्टेटमेंट है, और उसमें सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं, सीरीज ऑफ लेटर्स हैं, पेपर्स हैं, यानी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज वेरी मच वॉल्यूमिनस, कंटेनिंग सीरीज ऑफ लेटर्स, पेपर्स, कॉन्वर्सेशंस, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स। तो सेक्शन 39 कहता है आप स्टेटमेंट के केवल उतने ही पार्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे जिससे जो ओवरव्यू है वो कोर्ट को समझ में आ जाए, ताकि कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो बर्बाद ना हो, वेस्टेज ऑफ टाइम ना हो, और कोर्ट आसानी से कम समय में राइटफुल जजमेंट डिलीवर कर दे। ठीक है, तो सेक्शन 39 स्टेट्स दैट व्हाट एविडेंस इज टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, बुक्स, सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स। कहता है ओनली दैट मच स्टेटमेंट इज टू बी गिवन विच कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी इन दैट पर्टिकुलर केस फॉर फुल अंडरस्टैंडिंग टू द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। कोर्ट केवल और केवल आपसे कहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इतने पार्ट को आप प्रोड्यूस कर दो, तो आपको केवल उतना ही पार्ट क्या करना है, प्रोड्यूस करना है, ना कि पूरे स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करना है, राइट। आपको उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के केवल उतने ही पार्ट को प्रोड्यूस करना है जो फैक्ट एंड इश्यू को क्लियर करता हो, राइट। तो ये है सेक्शन 39 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 38 ऑफ एविडेंस एक्ट। ये दो छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे जिन्हें हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट इस पर्टिकुलर हेडिंग को समझेंगे, जिसमें चार सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक। ठीक है, क्योंकि हमने अपने पहले ही लेक्चर में जब हमने एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन पर बात किया तो हमने ये जाना कि जो एविडेंस एक्ट है उसका जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो है चैप्टर 2, जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है। इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन 5 to 55। तो अभी हम चैप्टर 2 ऑफ एविडेंस एक्ट से डील कर रहे हैं, और हमने सेक्शन 39 तक के जो प्रोविजंस थे उन्हें पढ़ लिया। अब आगे के जो सेक्शंस हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और
कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।